सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाला भारत अभी तक शवाही पेश नहीं कर सका, जबकि पाक फौज सहाफियों को कंट्रोल लाइन पर ले गई। भारतीय बिला इश्तियाल गोलाबारी के मुतालिक ब्रीफिंग, DGISPR का कहना है लॉन्चिंग पैड तबाह करने वाले बताएं लाशें कहां गईं, पैराट्रूपर आए तो वापस कैसे गए, भारत अपनी अमवा छुपा क्यों रहा है। पाक धरती पर जिसका भी नापाक कदम पड़ा पकड़ा गया, पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश करने वाला भारतीय फौजी गिरफ्तार। 92 न्यूज ने कंट्रोल लाइन से पकड़े गए भारतीय फौजी चंदू लाल चौहान की तस्वीर हासिल कर ली। फौजी पकड़ा जाने पर भारत में तश्वीश की लहर, रिहाई के लिए दरख्वास्तें। हम का दुश्मन मोदी अपने ही फौजियों के लिए भी मूजी बन गया, भारतीय फौजियों को मरवाने पर तुल गया। भारतीय फौजियों की फिर कंट्रोल लाइन पर 4 घंटे तक बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज ने जवाबी फायर खोला तो दुश्मन बिलों में घुस गए। दूसरी जानिब उड़ी हमला भारत के ही गले पड़ गया, भारतीय वजारत दिफा ने ब्रिगेड कमांडर को हटा दिया। पाकिस्तान को पानी रोकने की धमकी देने वाले भारत का अपना हुक्का पानी बंद होने लगा। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्र में भारत का अपना पानी रोक दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीन ने तिब्बत में सबसे बड़ा आबी मंसूबा शुरू कर दिया। भारत की 5 रियासतों को पानी की फराहमी मुतासर हुई। वतने अजीज के दिफा के लिए हम वक्त चौकस हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने दुश्मन को फिर वाजे पैगाम दे दिया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, रेंजर्स की शानदार परेड। जीवे जीवे पाकिस्तान किनारे, सरहद पार भारतीय इलाके में सन्नाटा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी फनकारों से इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान चले जाओ, शिवसेना ने बॉलीवुड के सुल्तान को निशाने पर ले लिया। राज ठाकरे का कहना है सलमान खान को पाकिस्तानी फनकारों से हमदर्दी है तो उनकी फिल्मों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। पाबंदियों के जवाब में पाकिस्तानी सिनेमा घरों में भी भारतीय फिल्मों की नुमाइश बंद। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ पाकिस्तान भर में गुस्से की लहर, शहर शहर पाक फौज के हक में रैलियां, फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद किनारों से गूंज उठी। मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी, फैसलाबाद में रैली में मोदी के पुतले की जूतों के साथ इज्जत अफजाई। या किसी भी जारहाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का शुमाली बहरा अरब में ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना। वाइस एडमिरल आलिफुल्ला का कहना है कि बहरी सरहदों, क्रैक्स और साहली इलाकों की मुसलसल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। भारत ने जंग मुसलत की तो हम भी हमला करेंगे, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है ऐसी सूरत हाल खित्ते के लिए तबाहकुन होगी। पाकिस्तान को खतरा भारत से है, मोदी इंतहा पसंद है, मेरी हमायत में दूसरी जमात फसाद फैलाने की साजिश है। सिंध में शीशा, गुटखा और मेनपुरी पर पाबंदी, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोटोकॉल नंबर प्लेटों पर भी पाबंदी लगा दी गई। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, सूबाई काबीना ने भर्तियों पर पाबंदी उठा ली। मौला बख्श चांदियों का कहना है शादी हॉल रात 10 बजे बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद कराया जाएगा। मुराद अली शाह इन एक्शन, सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स के सरबराह ओहदों से फारिग कर दिए। डॉक्टर सईदुद्दीन सेकेंडरी बोर्ड कराची के चेयरमैन तैनात। सखर में सियासी तकरार, खुर्शीद शाह के भाई गुलाम मुश्तबा शाह को चेयरमैन सखर बोर्ड लगा दिया।
एमकेएम लंदन की कारकुनों और अहदेदारों से पार्टी में वापसी की आखिरी अपील। नदीम नुसरत का कहना है पार्टी के बानी से लातालुकी का इजहार करने वाले मुआफी नामा जमा करा के वापस आ मिले। एमकेएम पाकिस्तान ने सूरत हाल पर गौर के लिए सर जोड़ लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पैनामा लीक्स मामले पर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। इतजाज अहसन का कहना है पैनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल की जल्द मंजूरी की कोशिश करेंगे, बिल मंजूर ना हुआ तो मामला कौम के सामने ले जाएंगे। कमर कायरा बोले हुकूमत निजकारी के नाम पर बंदर बांध कर रही है। बिलावल भुट्टो के साथ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ड्राइविंग मार्च से खुश हो गए, कामयाबी पर आवाम से इजहार तशक्कुर, कहते हैं इदारे करप्शन के खिलाफ एक्शन लें। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो का कहना है कप्तान का शो अच्छा था लेकिन वक्त और जगह का इंतखाब गलत था, असल ऑपोजिशन हमेशा पाकिस्तान को पहले रखती है। कराची में टारगेट किलर्स कैसे फरार हुए, मामला मजीद उलझ गया। गिरफ्तार तफ्तीशी अफसर का इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के बरअक्स मौकिफ, कहा फायरिंग मोटरसाइकिल सवारों ने की। दूसरी जानेब इस्लामाबाद में भी कराची की कहानी दोहराई गई, गिरफ्तार चोर ने एएसआई से पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी, पुलिस अहलकार जख्मी, मुलजिम फरार। पहले वनडे में मारली बाजी, शाहीनों ने अब कर ली दूसरे मैच की तैयारी। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे सीरीज भी अपने नाम करने के लिए कमर कस ली। दूसरा वनडे कल शारजा में खेला जाएगा।